हमने प्लान किया था वो ये था कि हम शायद 100 या 100 अबव तक हम जाएं। इस वक्त हम 82 के ऊपर पहुंचे हैं जौहर जवान की टीम। इन्होंने मुकाबला तो भरपूर किया है, लेकिन डेफिनेटली दूसरी साइड के ऊपर चूँकि FB फाइटर्स हैं और जो हारा वो शिकारी ना वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है, तो इनके लिए जो है ना ये मैच आज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये पूरी जान लगा रहे हैं और हमारे लिए भी ये मैच डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मेरा ख़्याल है कि अगले चंद ओवर में मैच की डायरेक्शन सेट होने वाली है इंशाल्लाह, लेकिन ये मैच जितना इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है उतना ही इम्पॉर्टेंट FB फाइटर के लिए भी है। तो लेट्स सी, वी होप फॉर द बेस्ट और इंशाल्लाह हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज का मैच इंशाल्लाह जीत के और फिर हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करें। जो है कराची स्पोर्ट्स का हब हुआ करता था, हॉकी और क्रिकेट के हवाले से तो बड़ा मतलब काफ़ी इवेंट होते थे यहाँ पे, और यही वजह है कि नेशनल स्टेडियम हॉकी स्टेडियम जो है कराची में है और फिर नेशनल स्टेडियम क्रिकेट का यहाँ पे कराची में है, लेकिन एक फिर गैप आया और काफ़ी अब जो है वो कराची के खिलाड़ी जो हैं इसमें कुछ क्या वजूहत थी बहरहाल जिसकी वजह से वो अब हिस्सा नहीं ले रहे नेशनल इवेंट में या नहीं आ पा रहे, तो दोबारा ये मैं समझता हूँ क्रिकेट के रिवाइवल है ख़ास तौर से क्रिकेट का, और बड़ा अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके और नौजवानों को यहाँ पे खेलते हैं साथ में जो है ऑडियंस भी यहाँ पे मौजूद है। एक हेल्दी स्पोर्ट्स एक्टिविटी इस शहर के लिए बड़ा एक नेमत है, तो माशाल्लाह ये जो गेमा गेमी यहाँ पे है और जो है जंगल में मंगल है और रोशनियाँ लाइटें नज़र आ रही हैं, कराची जो है रोशनियों का शहर कहलाता था, तो रोशनियों के शहर में ये इवेंट नाइट मैच बड़ा ज़बरदस्त लगा मुझे, बड़ा अच्छा लगा। तमाम बोर्ड्स हैं और वो इवेंट्स स्पोर्ट्स की कराते रहते हैं और हमारी एक कमेटी है जो कि इंटर बोर्ड चेयरमैन कमेटी है, उसका एक पार्ट है स्पोर्ट्स कमेटी, तो नेशनल लेवल कमेटी है और वो हर साल जो है पूरे पाकिस्तान में इवेंट कराती है। इंशाल्लाह देखेंगे, मुझे यकीन है कि ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड पार्टिसिपेट करेंगे और कम से कम मेरी ख्वाहिश होगी कि कम अज़ कम 20 बोर्ड पार्टिसिपेट करें 32 में से, और जो भी होगा हम कराची के रोडों पे आप साइकिलें चलते हुए देखेंगे इंशाल्लाह। आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट मैच हो रहा है जो कि हमारे सेमीफाइनल में रसाई के लिए, उसमें सेमीफाइनल क्वालिफाई करने के लिए बड़ा ज़रूरी है आज हमें मैच जीतना और अच्छे मार्जिन से जीतना ज़रूरी है, क्योंकि अब तीन टीमें ऑलमोस्ट थ्रू हो चुकी हैं सेमीफाइनल में, लियारी का और हमारे में से अपना जौहर जवान में से किसी एक टीम ने जाना है, इसके बाद लियारी का भी मैच है, तो पोजीशन बड़ी ऑकवर्ड सी और बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी बनी हुई है, तो इंशाल्लाह ताला बस मैच अब हो रहा है इसको जीतना बहुत ज़रूरी है, हमारा कल भी मैच है तो वो भी अगर हम जीतते हैं तो फिर हम इंशाल्लाह ताला सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान, बड़ा ज़बरदस्त है इवेंट, बहुत ज़बरदस्त इवेंट है, अपना ज़ोए नसीर की मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ और प्रेजेंट जावेद मियादा, सादिक मोहम्मद, हारून रशीद, तौसीफ अहमद, बड़ा ज़बरदस्त है, इससे और लड़के भी आएंगे जैसे अपना मोहम्मद समी आया टेप बॉल से, हारिस रऊफ़ आया, इनमें से जैसे अपना उबैद लेफ्टी खेल रहा है और अपना दाऊद पठान है और अपना बहादुर है, असद शाह है, ऐसे प्लेयर और आएंगे इंशाल्लाह। अभी तो हम 5 मैच हारे हुए हैं, तो इंशाल्लाह ये लास्ट आज का मैच और कल का मैच जीतना ज़रूरी है, और लास्ट ईयर तो हम सेमीफाइनल में आ रहे थे, जब मैं कैप्टन था तो सेमीफाइनल आ रहे थे, अभी तो मैं कोच हूँ। टीम तो हम माशाल्लाह कमबैक अब मुश्किल है कि करें, क्योंकि 5 के 5 हम हारे और पूरे टूर्नामेंट में सबसे बेस्ट बॉलिंग हमारा साथ था, लेकिन हार्ड लक हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न के लिए तैयारी करेंगे कि उसका फाइनल विन करें। देख टीमें तो माशाल्लाह सारे अच्छे हैं, लेकिन जिसका चांस ज़्यादा है वो DHA दबंग है, क्लिप्टन गाजी है और उसके अलावा गुलशन गौर है, ये टॉप टीम है पाकिस्तान का, टेप बॉल का प्रोफेशनल प्लेयर खेल रहे इसमें, तो उनका चांसेस ज़्यादा है। जी बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, हमें FB फाइटर्स को सपोर्ट कर रही हूँ और बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है मैच, पहली इनिंग देख ली, अब सेकेंड इनिंग चल रही है, ऑब्वियसली FB फाइटर को सपोर्ट कर रही हूँ, तो मेरी तरफ से तो FB फाइटर ही आनी चाहिए। FB फाइटर्स को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला वो फाइनल में इंशाल्लाह ताला आएगी और हम उसी के, मेरा उबैद लेफ्टी मेरा क्लासमेट है और मैं उसके खुसूसी उसके लिए मैं आया हूँ मैच देखने के लिए, इंशाल्लाह ताला वो फाइनल में जीतेगी और वो खेलेगी इंशाल्लाह ताला। जियान जोर जवान को सपोर्ट करने आए हो? हाँ जी। फाइनल में जाएगी टीम? मेरे ख्याल से, लेकिन अगर हार गई तो नहीं जाएगी, मामा दुआएं कर रही हैं घर बैठ। जी टीम माशाल्लाह जीत गई हमारी, जी हमारे चांसेस तो हैं, हमारे 7 पॉइंट हो गए हैं,
काफ़ी चांसेस हमारे, अगर कल का मैच जीते हैं तो इंशाल्लाह डायरेक्ट सेमी में चले जाएंगे। टेबल हम टेबल ही खेलते हैं, लेकिन ये माहौल देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है, इंटरनेशनल लेवल का टूर्नामेंट हो रहा है माशाल्लाह, और काफ़ी मज़ा आ रहा है इधर।